नमस्कार, मैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव क्राइम पेट्रोल दस्तक के एक और केस में आपका स्वागत करता हूँ। केसेस तो कई हल किए हमने, लेकिन ये केस ये अनोखा ही नहीं, अनोखे से भी ऊपर था। वो कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए इंसान 100 झूठ बोल देता है, ठीक उसी तरह एक गुनाह छुपाने के लिए इंसान 100 गुनाह कर बैठता है, और नतीजा एक बड़े अपराध की दस्तक पे दस्तक होती है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। कहाँ है वो? आपके केबिन में बिठा के रखा है। क्या नाम है तुम्हारा? गर्व शर्मा। ये कट्टा कहाँ से लाए? मेरा ही है। तुम्हारा है? क्या किया तुमने? मैंने अपनी मम्मी का मर्डर किया है। मर्डर? अपनी मम्मी का? क्यों? तुम रहते कहाँ? हटिए हटिए। कहाँ है? इधर से। मैडम, आप इनको ले जाइए। कम हमारी गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई। सर, बॉडी तो देखकर लग रहा है कि मर्डर तकरीबन एक घंटे पहले ही हुआ है। सना? यस सर। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, फिंगरप्रिंट्स और सारे माइन्यूट डिटेल जमा करो। और कौन कौन रहता है इस घर में? सर, यहाँ 3 लोग रहते हैं, कोमल, उसके ससुर जी सोमनाथ जी और पोता घर। मैंने सोमनाथ जी को फोन किया है, वो भी बस आते ही होंगे। आप पड़ोसी हैं? जी सर, मैं यही रहती हूँ। गोली चलने की आवाज़ तो सुनी होगी? जी सर, मैं यही छत पर अचार डाल रही थी, तभी आवाज़ सुनाई दी। सर, उस वक्त मैं समझ नहीं पाई कि वो गोली की आवाज़ थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने गर्व को यहीं से निकलते हुए देखा, उसके हाथ में बंदूक थी। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, और मैंने अंदर जाकर देखा तो वक्त क्या रहा होगा? सर, करीब 2:15 बजा होगा। अरे एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं? ऊपर नहीं जा सकते आप। घर है मेरा। सर, ये सोमनाथ जी हैं, इस मकान के मालिक। ठीक है, चाहिए। ऐसे हो क्या है? सब क्या आओगे? मेरा पोता गर्व कहाँ है? गर्व? देखिए सर, गर्व ने खुद कबूल किया है कि उसने अपनी माँ की हत्या की है। कैसे? देखिए, मुझे इसी वक्त गर्व से बात करनी है। कहाँ है वो? आप इस बात नहीं कर सकते, प्लीज। ऑफिसर देखिए, मेरा पोता है, मैं उसका दादा हूँ। ऑफिसर मेरी बात सुनो, मेरी बहू मरी पड़ी है और मेरे पोते से तुम लोग बात भी नहीं करने दोगे? बताओ, तुमने अपनी माँ को क्यों मारा? क्योंकि मैं अपनी मम्मी से नफरत करता था। क्यों, क्या रीज़न है? सर, रीज़न खुद मम्मी है, क्योंकि मेरे पापा की मौत का कारण मम्मी है।
पापा की मौत? उन्होंने सुसाइड किया था। तुम्हारे पापा ने सुसाइड किया, इसमें तुम्हारी मम्मी का क्या लेना देना? क्योंकि मेरे पापा ने अपने सुसाइड नोट में मम्मी को ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। कहाँ है सुसाइड नोट? सब अलमारी में। ये चल क्या रहा है? मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे गर्व से बात करनी है। हटिए सर, सर प्लीज, सर प्लीज। देखिए वो जो भी कुछ कह रहा है ना, वो सब सरासर गलत कह रहा है। आप अपने सीनियर को बुलाइए, मैं बात करता हूँ उनसे। अभी सर बात कर रहे हैं, जैसे ही बाहर आएंगे आप मिल लीजिए। देखिए मैं भी मिलिट्री से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, आप मुझे इस तरह से नहीं रोक सकते। सर प्लीज समझिए, रूल्स हैं हमारे भी कुछ, प्लीज। कहाँ? इस अलमारी में। नहीं है, इसी में लगा था मैं। कहाँ गया? यहाँ है सर, यही था वो। कब की तुम्हारे पापा ने आत्महत्या? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले तुम्हारे पापा ने आत्महत्या की, तो आज ही के दिन तुमने बदला क्यों लिया? क्योंकि 3 दिन पहले पढ़ा था मैंने सुसाइड नोट। लेकिन वो सुसाइड नोट है कहाँ? पता नहीं, मैंने यहीं पे रखा था। सर मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रहा था, और जब मैंने वो सुसाइड नोट पढ़ा, मैंने अपना इरादा कर लिया और स्कूल से घर आया तो। गर्व, जल्दी से जूते खोल के मुँह हाथ धो ले, मैंने तेरे लिए गुलाब जामुन बनाए हैं, तुम्हारे पापा को भी पसंद थे ना। बंद करो नाटक, अगर इतना ख्याल रखती मेरे पापा का तो जान नहीं लेती उनकी तुम। ये क्या बोल रहा है, किसने कहा ऐसा तुमसे? पापा ने। क्या बकवास कर रहा है, पागल हो गया है क्या? झूठ है ये। झूठ ये नहीं मम्मी, झूठ वो है जो तुम आज तक हमसे बोलती आ रही हो। तुम ही ने मेरे पापा को मारा है, तुम ही ने मेरे पापा को मारा है। तुमने ही मेरे पापा की जान ली है। क्या कर रहे हो? वो कट्टा तुम्हारे पास कहां से आया? कट्टा सर घर पर था। घर में कहां से आया, कौन लाया? पता नहीं, कई दिन से डॉर्म में ही पड़ा था। ये क्या कर रहे हैं आप, कहाँ ले जा रहे हैं? मैं इसे आपको ले जाने नहीं दूंगा। अरे ऑफिसर मैं छोटा बच्चा है, आप समझ। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन। अरे ऑफिसर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरी बात तो सुनिए आप। गर्व का चेहरा देखकर लगता नहीं सर कि वो सच बोल रहा है। हमें चेहरे नहीं सबूत और गवाह देखने होते हैं अमर। तहकीकात में यह तय करना होता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये देखो, इस तरह के देसी कट्टे 12 बंकी में बनते हैं। पर इनके घर में कैसे आ गया सर? कोई तो लाया होगा। 12 बंकी पुलिस स्टेशन के साथ कोऑर्डिनेट करो, मुझे इस तरह के इलीगल आर्म डीलर्स की सारी लिस्ट और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के सारे डिटेल्स चाहिए। राइट सर। और वो गन फॉरेंसिक्स में भेज देना। ओके सर। अभी तक डिलीट नहीं किया ना आपने ये वीडियो? इस ताका झाकी के चक्कर में ना एक दिन बहुत बुरा फंसेंगे आप। अरे कब तक मैं आपको इन पछड़ों से निकालती फिरूंगी? मेरा पोता गर्व कहाँ है? अंदर है। आप ऐसे नहीं अंदर जा सकते। अरे छोड़ो, क्योंकि ऐसे अंदर नहीं जा सकते। अरे अरे एक आपकी पुलिस टीम ठीक से काम नहीं कर रही है। उस बच्चे ने आकर आपसे कुछ भी कहा और आपने मान लिया? क्या लगता कि वो बच्चा हत्या कर सकता है, वो भी अपनी माँ की? ये कोई मामूली बात नहीं है सोमनाथ जी, ये हम नहीं कर रहे हैं। गर्व ने खुद इकबाल जुर्म किया है, और इतने ही नहीं उसने वो हथियार भी हमें सौंप दिया है और हत्या का कारण भी बताया। ये मामूली बात है क्या? देखिए सोमनाथ जी, मामला बिल्कुल साफ है, और जहां तक बात इल्जाम की है, हम साबित कर देंगे सच क्या है और झूठ क्या है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सब झूठ है। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ कि सच क्या है। क्या है सच? सच ये है कि कोमल की हत्या गर्व ने नहीं, मैंने की है। हम मुजरिमों के पीछे काफी भाग दौड़ करके उन्हें पकड़ते हैं, कई तरकीबें आजमाते हैं उनसे जुर्म कबूल करवाने की। मगर इस हत्याकांड में 2 लोग खुद चलकर हमारे पास आए थे और दोनों ही जुर्म का इकबाल कर रहे हैं। मैंने
अपनी मम्मी का मर्डर किया है। कोमल की हत्या गर्व ने नहीं, मैंने की है। कभी कभी प्लेट में सजी सजाई कोई चीज मिल जाए तो शक और गहरा हो जाता है। देखते जाइए, ये तो एक मोड़ आया है, अभी आगे कई और मोड़ बाकी हैं, कई और झटके बाकी हैं। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्यों मारा कोमल को? अब मुझे ना इस बारे में कुछ कहना है ना कुछ सुनना। क्यों नहीं सुनना? इसलिए ना क्योंकि पहली बार मेरी तरफ से किसी को तुम्हारे काम की जरूरत पड़ी है ना। अगर वजह इतनी होती तो काफी थी, लेकिन लेकिन क्या? देखो कोमल, इस बात को यही रफा दफा कर दो, वरना वरना क्या? हाँ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। कोमल, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों हंसते खेलते घर को नरक बना रही हो? क्या चल रहा है? कोई कुछ बताएगा मुझे? अगर कोई कुछ मुझे बताएगा तो मैं हल निकालूंगा। हल तो अब मैं निकालूंगा। चल कोमल, चल। कोमल, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, घर कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? घर मेरे साथ जाएगा, चल घर। नहीं, अरे नहीं, अरे तुम नहीं, अरे नहीं, नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा। मम्मी जी, आपको लगी तुमने मुझे थप्पड़ मारा, बस यही कदर रह गई है मेरी इस घर में। चल घर, चल। ये तो कोई वजह नहीं है कोमल कुमार। तो कोमल चाहती क्या थी? आप दोनों को पुलिस थाना चलना होगा। क्यों? आपकी बहू कोमल ने जहर खाया है, वो हॉस्पिटल में है। उसने पुलिस को बयान दिया है कि आप लोगों ने उसे मेंटली हैरेस किया है, इसी वजह से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चलिए देखिए, आप मुझे इस तरह मेरे साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते इस तरह से। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने दोनों को मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वकील साहब, बेल करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील, तू कुछ बताता क्यों नहीं है? तुम दोनों के बीच किस बात को लेकर इतना तनाव है जो बात यहां तक पहुंच गई? सुनील, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। देख बेटा, पति पत्नी के बीच तो ये सब चलता ही रहता है। तू जा और कोमल को मना कर ले। नहीं पापा, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा, मैं उससे डिवोर्स लूंगा। बेटा, पति पत्नी के बीच में तो डिवोर्स हो सकता है, पर माँ बाप के बीच में तो नहीं हो सकता ना। गर्व के लिए, अपने बच्चे के लिए कोशिश तो कर। बेटा, मैं अपने पोते को मिले बगैर नहीं रह सकती। जाकर उसे ले। तो फिर क्या कोमल वापस आ गई? सुनील, सुनील, उसने हम पे इतना संगीन इल्जाम लगाया जिसकी वजह से मेरे इकलौते बेटे ने आत्महत्या कर ली। उस सदमे में मेरी पत्नी चल बसी, हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। मगर उसी दिन मैंने ठान लिया था, मैं आपके साथ घर लौटने को तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझे तुम्हारी सब शर्तें मंजूर हैं। बेटा, जो भी कुछ मेरा है वो तुम्हारा और गर्व का ही तो है, गर्व के लिए सही। तुम मेरे साथ घर लौट चलो। अब मुझे ये बता दीजिए कि कैसे किया आपने ये सब? बाबूजी ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। मतलब? मतलब साफ, तुम्हें अपने पापों का हिसाब देना होगा। बाबू,
आपकी बहू और बेटे में किस बात को लेकर लड़ाई होती थी? ठीक से तो नहीं पता सर, लेकिन कोई बैंक लोन की बात थी जिसको लेकर दोनों के बीच में तनाव था। कोमल को मारने के लिए कट्टा कहाँ से लिया आपने? जी, सेल्फ डिफेंस के लिए लिया था। सेल्फ डिफेंस के लिए देसी कट्टा किससे लिया? बहुत दिन हो गए, याद नहीं है। आप एक फौजी और ये भी नहीं जानते कि गैर कानूनी हथियार रखना एक जुर्म है? जी जानता हूँ, लेकिन सोमनाथ जी, गर्व ने अपने पापा के सुसाइड नोट की बात कही थी हमसे, क्या आपको पता है वो सुसाइड नोट कहाँ है? सुसाइड नोट? मैं किसी सुसाइड नोट के बारे में नहीं जानता। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि आपके स्टेटमेंट के बाद आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब, गलती तो मुझसे हुई है। कोमल को मारने के बाद अगर मैं माँ से नहीं चला जाता तो मेरा बच्चा मुसीबत में नहीं पड़ता। आप गर्व को जाने दीजिए, वो निर्दोष है। मैं गया हूँ ना आपसे, उसने कुछ नहीं किया, मैंने हत्या की। कहानी अच्छी है, अपने पोते को बचाने के लिए कह रहे हैं ना ये सब? नहीं साहब, ये कहानी नहीं है, मैंने आपको वो बताया है जो हुआ। ठीक है, आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने अपना, लेकिन हम अपने तरीके से असली मुजरिम को पकड़ेंगे और उसके बाद ही नतीजे पे पहुंचेंगे कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। दोनों के बयान बहुत कुछ कह रहे थे, दिमाग में कई सवाल कूद रहे थे। एक तरफ एक 14 साल का लड़का अपनी माँ को जान से मार देने की बात कबूल कर रहा था, तो दूसरी तरफ एक बुजुर्ग अपनी बहू को। हम सब सोच में पड़ गए थे। सर, मोटिव तो दोनों के पास है कोमल को मारने का। इन दोनों के स्टेटमेंट्स में काफी बातें मनगढ़ंत लग रही हैं। सुनील शर्मा सुसाइड केस की फाइल देखी है मैंने, उसमें सुसाइड नोट का कोई जिक्र नहीं। इट वॉज एन ओपन एंड शट केस। हमें इन दोनों के स्टेटमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करना होगा। सर ये फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट्स। सर, देसी कट्टे पे सोमनाथ और गर्व दोनों की उंगलियों के निशान थे, लेकिन और भी निशान थे जो डिस्टॉर्टेड हो गए। इसका मतलब ये निशान खुद कोमल के हो सकते हैं जो हाथापाई के वक्त पड़ गए, या फिर कोई तीसरा आदमी है जिसे ये दोनों बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सर एक दूसरे को। राइट, पिछले 15 मिनट से दोनों ने एक बार भी बात नहीं की। अमर करेंगे, घड़ा भर के छलकने में कुछ समय तो लगता है। बाराबंकी से कोई खबर? सुबह ही बात हुई थी सर, शाम तक डिटेल्स आ जाएंगी। देखो, गन तो आई है और हत्या भी हुई है। अब जाहिर सी बात है कि गन इनके पास उड़कर तो नहीं आई, कोई लाया होगा। अब जब तक इस देसी कट्टे की गुत्थी नहीं सुलझ जाती, हम इन्हें क्लीन चिट नहीं दे सकते। क्या किया तूने बेटा? क्यों किया बोल। अच्छा अच्छा जाने दे, जो हुआ हो गया।
देखिए, मोहल्ला जितना सामान्य अब दिख रहा है वो घटना के वक्त ऐसा था नहीं। जिस तरह डॉक्टर हर मरीज का अलग इलाज करता है, उसी तरह हम पुलिस वालों को भी मुजरिम देख के पैंतरे इस्तेमाल करने पड़ते। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अब इस केस की दिशाएं बदल गई थी और अब ये केस अनोखे से भी ऊपर उठ चुका था। सोमनाथ और कोमल के बैंक डिटेल्स निकलवाओ। सुनील जिस बैंक में मैनेजर था वहाँ की डिटेल्स निकलवाओ कि किस रिश्तेदार के लोन के कारण सुनील और कोमल एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक टीम बना ली हमने सर, जो घर मोहल्ले और फैक्ट्री से सारी डिटेल्स जमा करेगी। कोमल के मायके में पूछताछ कर होशियारी से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एंड वी हैव टू स्पीड अप। राइट सर। ओके। एक भरा खुशहाल परिवार था साहब, न जाने किसकी नजर लग गई। गर्व बाबा से तो बहुत प्यार करती थी कोमल मेम साहब। जहाँ तक सोमनाथ जी का सवाल है, कोमल मेम साहब और उनकी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। क्या इन दिनों तुम्हारी कोमल मेम साहब की किसी के साथ कोई अनबन चल रही थी, खासतौर पर सोमनाथ जी? नहीं साहब। किसी और का घर में आना जाना रहता है? नहीं। कभी किसी को लड़ते झगड़ते देखा है कोमल जी से? हाँ साहब, पड़ोस के रस्तोगी साहब से मेम साहब का झगड़ा हुआ था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कोमल जी, ये अखबार बाहर पड़ा था, वही देने आया था। अखबार देने क्यों आ गए? अखबार बाहर पड़ा है तो पड़ा रहने दीजिए, और देने भी आए तो ऐसे सीधे अंदर चले आएंगे आप? आवाज नहीं दे सकते? आप तो बेकार में नाराज हो रही हैं। मैं तो बस यूं ही अपना घर समझ के आ गया था। अपना घर समझ के आ गए थे? कैसे आए वैसे के वैसे, दफा हो जाइए यहाँ से। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं तो बस पड़ोसी होने का फर्ज निभा रहा था। कोमल जी के कमरे से स्ट्रगल के मार्क्स मिले हमें, और ये भी पता चला कि तुम्हारी दूसरों के घरों में ताका झाकी करने की बहुत आदत है। अकेली औरत देखी तो नियत में घोटा गया होगा, है ना? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई ताका झाकी नहीं करता, मैं तो बस मोहल्ले में नजर रखता हूँ। नजर रखता हूँ क्यों? नजर रखते रखते कभी किसी को आते जाते देखा उस घर में? नहीं सर। देख रस्त होगी, आज के बाद हमारी नजर तुझ पे रहेगी, समझे? आप कहना क्या चाहते हैं? ये सब हमने किया है। देखिए मैडम, आप हमें कायदा कानून ना समझें तो ही अच्छा होगा। तहकीकात चल रही है हमारी, और हाँ, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती, आप दोनों पति पत्नी ये शर्ट छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। समझ में आए जी? मैडम, मेरे दीदी के कत्ल का जितना जिम्मेदार ये सोमनाथ है ना, इससे कहीं ज्यादा मेरे पिता हैं। मैंने उनको समझाया भी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ना, बस ये आ गए उनके गड़ियाले आंसुओं में। दीदी, ये आप क्या कर रही हो? अब वापस उस घर में जाना चाहती हो? अब पागल हो गई हो? तू चुप रह, कोमल ठीक कर रही है। अरे सोमनाथ जी खुद चल कर आए हैं, और फिर गर्व हमसे ज्यादा उनके पास खुश रहेगा। और मैडम, वो तो पहले से चाहते थे हमसे कैसे भी बदला ले अपनी पत्नी और बेटे का। मैडम, वो तो चाहते थे अपने पोते को हासिल करना, लेकिन बस दीदी उनकी चिकनी चोपड़ी बातों में आ गई। मैं जानती हूँ उन लोगों से बहुत गलतियां हुई है, लेकिन मुझे गर्व के भविष्य की चिंता है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ये ठीक कह रहे हैं, मैं ही नहीं समझ सका। उस दिन कोमल के जज्बाती फैसले को मैंने ठुकरा दिया होता और उसे नहीं भेजा होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। कोमल और सुनील का किस बात को लेकर झगड़ा होता था, और ये किस मायके वाले को लोन दिलाना चाहती थी वो? ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं एक बात कह सकता हूँ, मेरी बेटी का कत्ल सोमनाथ ने ही किया है, वो एक बेदिल इंसान है। पर गर्व तो कह रहा था कि उसने किया है। मैडम गर्व झूठ बोल रहा है, उस बुड्ढे ने गर्व को अपनी तरफ किया है। आप उस बुड्ढे को तोड़िए, सच बाहर आ जाएगा। गर्व चलो, तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना है। दादाजी नहीं।
कुएं से तल की मिट्टी लाने के खेल मैंने बचपन में बहुत खेले थे। एक लंबी सांस लेकर कूद पड़ते थे। अब मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। लंबी सांस भी भर ली थी और कूद भी पड़े थे, लेकिन तल की मिट्टी अब तक हाथ नहीं आई थी और खाली हाथ ऊपर भी नहीं जा सकते थे। खैर, इस केस की बात करें तो कोमल और सोमनाथ के परिवार के बीच इतने सारे हादसे होना, ये एक बड़ी दस्तक थी जो बार बार हो रही थी लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सर, बाराबंकी पुलिस से रिपोर्ट आई है। 3 लोग हैं जो इलीगल वेपन सप्लाई का काम करते हैं, पप्पू, मदन और इकबाल। फिलहाल ये 3 अंडरग्राउंड है सर। और बाराबंकी पुलिस ने एक बात और बताई है कि लखनऊ शहर की डीलिंग्स ये पप्पू यादव करता है। अपने मुखबिरों को काम पे लगा दो, मुझे किसी भी कीमत पे लीड चाहिए। बैठ सर। सर, सर ये कोमल शर्मा की कॉल डिटेल्स हैं। इस नंबर से किसी दीपक वर्मा को लगातार कॉल किए गए हैं और कॉल्स रिसीव भी हुए। सर, नेक्स्ट पेज पर कोमल शर्मा की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है। उसी बैंक अकाउंट से लोन की प्रोसेसिंग फीस पे हुई है दीपक वर्मा के नाम पे। सर, जब हमने उसके बारे में पता लगाया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सच सामने आया है। ये दीपक वर्मा कोमल के कॉलेज में ही पढ़ता था। दीपक वर्मा, कोमल के मर्डर के बारे में दीपक वर्मा से बात करनी है, बुलाइए उसे। उस डायन औरत ने जीते जी तो हमारा जीना हराम कर ही दिया था और मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। देखिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कौन है, किससे बात कर रही हो? दीपक वर्मा जी, मैं ही दीपक वर्मा हूँ। कोमल मर्डर केस में पूछताछ करनी है तुमसे, चलो हमारे साथ। सर, कोमल के मर्डर के बारे में क्या पूछताछ करनी है, मैं क्या बता सकता हूँ उसके मर्डर के बारे में? मैंने कहा ना तुमसे, चलो हमारे साथ। सर, मैं कॉपरेट कर रहा हूँ सर, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? हमने आपसे बोला था ना कि उस औरत से दूर रहिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब तो पुलिस भी घर पे आ गई है और पता नहीं क्या क्या देखना बाकी रह गया है। जी हाँ सर, मेरी और कोमल के बीच में रेगुलर बातचीत होती रहती थी सर। दरअसल कोमल और मैं बचपन के अच्छे दोस्त हैं सर, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कोमल तुम्हें लोन क्यों दिलवाना चाहते? इस लोन के चक्कर में कोमल और उसके पति सुनील के बीच झगड़े भी हुआ करते थे। क्यों सर, अब उन दोनों के बीच में झगड़े क्यों होते थे ये तो मैं नहीं जानता हूँ सर, लेकिन हाँ सर, कोमल जेन्युइनली मुझे लोन दिलवाने में मदद करना चाहती थी सर। सर, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ सर, कोई मेरा काम तो बना नहीं, लेकिन ये परेशानी खामखा गले पड़ गई है। मर्डर वाले दिन कहाँ थे तुम? कानपुर में था सर, अपने बिजनेस सेटअप के सिलसिले में। कहाँ रुके थे? सूर्या होटल में। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। थैंक यू सर। बाबूजी, आपने फिर इसे स्कूटर दे दिया? कोमल, ये मेरा पोता है, एक फौजी का पोता। मैं इसे हर तरह से तैयार करूंगा। स्कूटर क्या, मैं इसे कार चलाना भी सिखाऊंगा, है ना गर? यस। गर बेटा, देखो ये बस में खाने के लिए पकड़ो। हाँ। ये शॉर्ट रिसेस का और ये वाला लॉन्ग रिसेस का, पूरा खत्म करना। हाँ। और सुनो बेटा, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करना। जी सर, ये फैक्ट्री सोमनाथ शर्मा जी का है। फैक्ट्री लीज पे देने के बाद वो टाइम पास के लिए यहाँ आया जा करते थे। ये कोमल मैडम का इस फैक्ट्री में आना जाना होता था? नहीं नहीं, लेकिन पिछले हफ्ते एक बार आई थी और उनका राघव साहब के साथ झगड़ा भी हुआ था। तुम अपनी बकवास बंद करो। सोमनाथ जी कल तक मालिक थे, अब मैं हूँ, और ये फैक्ट्री लीज पे देने का फैसला भी आज से मेरा है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट समझो आज से खत्म। तुम्हारा जो भी सामान वामान पड़ा हो वो उसे उठाओ और निकलो यहाँ से, चलो बाहर। अरे आप क्या, खुद सोमनाथ जी भी लीज पूरा होने से पहले हमें नहीं निकाल सकते? ठीक है,
अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और मैं जो आपका हाल करूंगा वो सोमनाथ की बहू हो इसलिए चुप है, वरना अपने औकात पे आ गए ना तो अच्छा नहीं होगा। ये 15 तारीख को तुम्हारे राघव साहब फैक्ट्री से कितने बजे निकले थे? यही करीब 1:30 बजे के आसपास। अभी कहाँ है तुम्हारे साथ? राघव साहब महीने में 2-4 बार बाराबंकी जाते हैं, अभी वो बाराबंकी गए हुए हैं, आज आने वाले थे, आते ही होंगे। क्या राघव आजकल बाराबंकी जाना बहुत हो रहा है तेरा? आजकल ही नहीं सर, हमेशा आना जाना लगा रहता है। बाराबंकी में बना हुआ कट्टा इस्तेमाल हुआ है कोमल की हत्या में। मेरा बाराबंकी आना जाना लगा रहता है, इत्तेफाक से कट्टा भी वहीं का मिला है, मतलब कातिल मैं हो गया? तुमने ही तो धमकाया था उसे। हाँ धमकाया था, बात ही कुछ ऐसी कर रही थी वो। कोमल ने ये फैक्ट्री किसी को लीज पे देने के बाद क्या कही? तुमने तो मरवाई दिया उसको। गलत इल्जाम लगा रहे हैं सर आप हम पर। बहुत वफादारी के साथ अपना काम करता आया हूँ। वो औरत पहले अपना घर चला ली और चली थी फैक्ट्री हथियाने। अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी नहीं हुआ। राघव कोमल ये फैक्ट्री किसको लीज पे देना चाहती थी? किसको लीज पे देना चाहती थी, किससे बात कर रही थी, मैं कैसे बता सकता हूँ सर आपको? ठीक है, आज के बाद जब भी बाराबंकी जाओगे ना तो मुझसे पूछ के जाना, समझे? कभी कभी हम मेहनत तो बहुत करते हैं मगर परिणाम नहीं मिलता, मगर इस केस में हमारी मेहनत ने जो रंग लाया था उसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। शुरू से ही मेरी 99% गट फीलिंग ये कह रही थी कि ये दोनों निर्दोष हैं। मैंने ये 13 इल्जाम अपने सर ले लिया है। हाँ कोई इंस्पेक्टर कोई पुलिस वाला तुझे पूछे ना तो बोलना दादाजी को बचाने के लिए तूने ये सब किया है। दादाजी आपने मम्मी को नहीं मारा? ये क्यों पूछ रहा है तू? क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को नहीं मारा, मैंने आपको घर से निकलते हुए देखा। दादाजी मामा मम्मी की लाश देखी, इसलिए पूछ रहा आपने मम्मी को मारा, इसलिए मैं घर लेके पुलिस स्टेशन पहुंच गई। लेकिन दादाजी मम्मी को आपने नहीं, मैंने भी नहीं, किसने मारा? दोनों ने भले ही एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोला था लेकिन उस झूठ में थोड़ी मिलावट थी और हमें दूध का दूध पानी का पानी करना था, पूरे सच को सामने लाना। हमारी टीम को पता चला है कि पप्पू यादव नाम का एक बंदा है जो इल्लीगली कट्टे सप्लाई करता है। हमें शक है कि वो कट्टा लखनऊ में उसी ने सप्लाई किया। अभी अभी हमें खबर मिली है कि वो आपके शहर लखनऊ में गोमती नगर में छुप के बैठा है। थैंक यू। किसको बेचा था कट्टा, किससे ली थी सुपारी बोल? साहब मैं सुपारी नहीं लेता। हाँ कट्टा जरूर बेचा था। ध्यान से देख, इन चारों में से किसी को बेचा था? हाँ साहब मैंने कट्टा किसी आदमी को नहीं औरत को बेचा था। इस केस में तो सिर्फ दो ही औरतें हैं जिस पे शक किया जा सकता है, एक रस्तोगी की पत्नी नंदा, दूसरी दीपक की पत्नी माला। लेकिन सर लगता नहीं है कि वो दोनों ऐसा कर सकते हैं। अमर हमें कदम बा कदम चलना है, किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देख और पहचान इनमें से कौन सी औरत है वो। इनमें से कोई नहीं है साहब,
वो तो कोई और थी। अमर स्केच आर्टिस्ट को बोलो। ये तो कोमल है सर। कोमल ने खुद को मारने के लिए कट्टा खरीदा था, ये बात समझ में नहीं आ रही है। खुद को मारने का इसका मकसद क्या रहा होगा? जब अंधेरा गहरा हो जाए समझो सुबह होने वाली है। हमारे रेडार में जितने भी लोग हैं सबके मोबाइल लोकेशंस निकलवाओ। 15 तारीख यानी मर्डर के दिन क्या कोई नंबर कोमल के घर के आसपास 1 से 2 बजे के बीच एक्टिव था? आई वॉन्ट दैट रिपोर्ट ऑन अर्जेंट बेसिस। जी सर। बाबा मेरी मौत की जिम्मेदार कोमल है। हमें नीचा दिखाने के लिए वो खुद बहुत गिर गई। उसने गर्व को भी हमसे दूर कर दिया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना बाबा। सर हमारा शक बिल्कुल सही निकला। ये देखिए उस दिन इन लोगों के मोबाइल्स कोमल के घर के आसपास एक्टिव थे, लेकिन ये नंबर देखिए ये बहुत खास है। आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि 15 तारीख को मैं कानपुर में था सर, तो मैं लखनऊ में कैसे हो सकता हूँ? तुम सही कह रहे हो, हम भी यही सोच रहे थे कि जो आदमी कानपुर में है वो लखनऊ कैसे आ सकता है, इसीलिए हमारी टीम खुद कानपुर गई। हाँ मैम, दीपक सिंह ने होटल बुक किया था 15 तारीख को और वो आए भी थे लेकिन रात को 9 बजे। कोमल का मर्डर हुआ दोपहर 2 बजे। लखनऊ से कानपुर का सफर तूने तय किया KK ट्रेवल्स की कार में। शाम को 6 बजे तू यहाँ से निकला और तकरीबन 45 मिनट एक ढाबे पर खाना खाने के बाद 9 बजे तो सूर्या होटल पहुंचा। अब इतने सारे सबूत दे दिए हैं तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया होगा ना दीपक? अब सच सच बताओ वरना सच उगलवाने के तरीके आते हैं। मैं सब बताता हूँ सर, सब सच सच बताता हूँ सर। ये कहानी हमारे कॉलेज डेज की है। मैं और कोमल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम शादी करना चाहते थे सर, लेकिन मैं लाइफ में सेटल नहीं था, इसलिए कोमल के पापा ने उसकी शादी सुनील से कर दी और मैंने भी बाद में माला से शादी कर ली। हम दोनों ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन 3 महीने पहले मेरी मुलाकात अचानक कोमल से हो गई। अरे दीपक! अरे कोमल तुम? कितने सालों बाद, कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार, तुम कैसी हो? बढ़िया बढ़िया। और यहाँ कैसे, क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। अभी अभी कोलकाता से अपना बिजनेस पूरा का पूरा रैप अप करके यहाँ आया हूँ। अच्छा। अब यहाँ अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए लगा हुआ हूँ, लेकिन क्या करूँ, ना तो बिजनेस का लोन प्रोसेस हो रहा है और ना ही कोई और काम बन रहा है। तुम्हें लोन चाहिए? मेरे हस्बैंड बैंक में मैनेजर है, मैं करवाती हूँ लोन तुम्हारा, हो जाएगा तुम्हारा काम। मैं सुनील से बात करती हूँ। अभी भी तुम्हारे दिल में पुराने आशिक के लिए जगह बाकी है? अच्छा, इसलिए उसकी लोन रिजेक्ट करवा दी तुमने? क्या बात कर रही हो तुम? देखो मैं बैंक मैनेजर हूँ, बैंक का मालिक नहीं। अगर लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो हो गया, बस मुझे इस मामले में ना तुमसे कुछ कहना है ना कुछ सुनना है। अच्छा तो तू था उनके झगड़े का कारण। फिर सर सुनील की मौत के बाद कोमल वापस अपने मायके में रहने के लिए आ गई और इसी दौरान हम दोनों की नजदीकियां और बढ़ गई। तुमने क्यों छोड़ दिया मुझे दीपक? मैं आज भी तुम्हारी हूँ, प्लीज मुझे दोबारा अपना लो। शायद हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं दीपक। कोमल अब मैं कभी तुम्हें दोबारा छोड़कर नहीं जाऊंगा। कभी नहीं। कोमल सोमनाथ की फैक्ट्री भी लीज पे तुझे ही देना चाहती थी ना? जी सर। सर ये सच है कि कोमल ने मेरे लिए ही फैक्ट्री के मैनेजर राघव से पंगा लिया था। मेरी और कोमल की नजदीकियों की खबर मेरे घर तक पहुंच गई थी सर, और मेरा और मेरी पत्नी के बीच रोज झगड़ा शुरू हो गया था। और इसी बीच कोमल के हाथ सुनील का सुसाइड नोट लग गया। यह है उस बुड्ढे का असली चेहरा।
अपने बेटे और पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता है मुझसे यादव। जैसे मैंने उनको फंसाया था ना, उसी तरह अबेटमेंट टू सुसाइड के केस में फंसाना चाहता है ये मुझे। इसीलिए संभाल कर रखा है ये सुसाइड नोट अब तक। और 15 तारीख को कोमल ने मुझे अपने घर पर बुलाया। ये लो, काम तमाम कर दो उस बुड्ढे का। देखो उसके बाद ना किसी लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। सिर्फ तुम, मैं और ये सारी जायदाद हमारी। फिर तुम्हारी बीवी को भी थोड़े पैसे देकर उसको तलाक दे देना। लेकिन कोमल, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता यार, ये मर्से नहीं होगा। पागल मत बनो दीपक, मैं चाहूँ ना तो उस बुड्ढे के खाने में जहर डालकर उसे कभी भी मार सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा करूँगी तो फंस सकती हूँ, किसी और से करवाऊंगी तो भी फंसने के चांसेस है। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, देखो मैंने गन का भी इंतजाम कर दिया है। प्लीज मार दो उसे। अरे किसी को मारना कोई मजाक है क्या कोमल? तुम नहीं कर सकते तो मुझे करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बगैर अभी और नहीं रह सकती दीपक। कोमल, कोमल मुझे कोमल कोमल मुझसे सच्चा प्यार तो करती थी सर, लेकिन वह मुझे खूनी बनाना चाहती थी। मैं अपना बस एक छोटा सा फायदा देख रहा था, लेकिन वो मेरे साथ बड़े बड़े सपने देखने लग गई थी सर। उसका मेरे प्रति प्यार दीवानगी में बदल चुका था, और एक दिन सुसाइड नोट के डर से अपने ही हाथों अपनी ही जान गंवा दी उसने। तुम्हारे कारण एक परिवार बर्बाद हो गया, एक बच्चा अनाथ हो गया, अब सड़ो यहीं जेल में, इसी के हकदार हो तुम। कोमल के पिता ने कोमल की मर्जी के खिलाफ उसका ब्याह सुनील के साथ कर दिया था, बिना ये जाने कि उसके मन में दीपक के लिए जगह है। ये पहली दस्तक थी, लेकिन कोमल का दोबारा दीपक से मेलजोल ये एक और दस्तक थी, और ये वो दस्तक थी जो दबे पैर हर मोड़ पर उनकी जिंदगी में आती रही और तबाही मचा गई। कोमल को भी एक दस्तक मिली थी जो खतरे की नहीं, उसके लिए भलाई की थी। सोमनाथ ने वो सुसाइड नोट उनसे बदला लेने के लिए नहीं, उन्हें बचाने के लिए छुपाया था। कोमल वो गलत समझ बैठी, नतीजा खुद अपनी जान से गई। गलतियां हम सब से होती हैं, अपनी गलतियों को सुधारना हम सबका फर्ज है, लेकिन गलतियों को दोहराना बर्बादी को दावत देना है। फिर मिलेंगे एक और अनोखे केस के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।